मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू की बर्फी। ये बर्फी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसे हम व्रत में खा सकते हैं या कभी मीठा खाने का मन हो तो भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले मैश किए हुए आलू, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच देसी घी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालकर घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे उबले मैश किए हुए आलू और आलू को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बराबर चलाते हुए भून लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब ये आलू थोड़े भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, डालकर अच्छे से मिला देंगे। और साथ ही में हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी मिला देंगे और आलू को हम बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये डो की तरह ना बन जाए और ये कढ़ाई ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं आलू का बिल्कुल डो जैसा बन गया है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम घी से ग्रीस की हुई किसी प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे। और इस तरह अच्छे से फैलाते हुए हम सेट कर देंगे। और इसे हम यूं ही खुले में आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब ये आलू की बर्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे इस तरह कट करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली बर्फी है, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं। और इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अब ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू की बर्फी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।